नमस्कारम, मैं विकास आज आपको बताऊंगा ऑफिस योगा यानी कॉरपोरेट योगा के बारे में। उस पर क्या क्या रहेगा। होता क्या है कि हम डेली रूटीन पे लगातार कंटिन्यूअस काम करते हैं सीट पे बैठ करके, ऐसे ही चेयर पे बैठ करके, तो हमारे पैर में, हमारे हाथ में और हमारे कंधे में और इसके साथ हमारे बैक में भी पेन की समस्याएं बनती हैं, जो कि हम लगातार काम करते वक्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हर 2.5 घंटे या 3 घंटे में आप उसके लिए रिलैक्स कर पाएँ और अपनी सीट पर बैठे हुए। यदि आप वॉक नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते हैं तो उस दौरान भी आप कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको क्या करना है कि पहले अपनी सीट को, यदि ज़्यादा ऊपर है तो थोड़ा नीचे कर लेंगे, तो हम क्या हो पाएगा इसे देखें, थोड़ा नीचे कर लिया हमने, या फिर आगे आ जाएंगे, थोड़ा आगे यहाँ पर बैठ जाएंगे और ये हमारा पैर जमीन से छू जाए, टच होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस, 2 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, ऐसे हाथ करते हुए, ऐसे पैर के ऊपर हाथ थे हाथ, ऐसे करेंगे। उसके बाद हम साइड से हाथ ऐसे ले जाएंगे ऊपर, हम ऐसे करेंगे ऊपर, हमारा ऐसे क्रॉस करते हुए रहेगा, ये मैं सामने लाकर दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे कर लेंगे ऊपर जितना हो सकेगा, ऊपर हम खींचेंगे, खींच के रखेंगे और इनहेल करते रहेंगे, यानी सांस लेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे, एक्सहेल करते रहेंगे। ये हमारा दूसरा चरण था। इसके अलावा आप इसको आगे की ओर झुकाएंगे, जितना हो सकेगा उतना ही झुकेंगे यथाशक्ति अनुसार, 5 गिनती तक होल्ड रखेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे ऐसे। इसके बाद हम हाथ को सीधे करते हुए ऐसे अपने कंधे पे रख देंगे और कमर सीधी रखेंगे, इनहेल और एक्सहेल यानी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, डीप ब्रीथिंग। सारी थकान आपकी छूमंतर हो जाएगी यदि आप इनहेल करते रहेंगे और एक्सहेल करते रहेंगे। इसके बाद पुनः हम ऊपर की ओर ऐसे करेंगे, इंटरलॉक करते हुए फंसा के पंजे हाथ के, और साइड में हम ऐसे करेंगे, आराम से सांस लेंगे, फिर इसको साइड में करेंगे। ये 2 से 3 बार कर सकते हैं आराम से, ये आप खींच के रखेंगे। इसके बाद आप आएंगे, जैसे आप आएंगे तो घुटने पे हाथ रखेंगे, तो इनहेल करना है, फिर इसके बाद पीछे ले जाएंगे हाथ और आपको ऐसे झुकना है और हाथ आपका ऊपर की ओर जाएगा जितना हो सकेगा, क्योंकि आप कपड़े पहने रहेंगे ऑफिशियल, तो आपको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाने की ज़रूरत है ताकि फटे नहीं। इसके बाद हम आप ऐसे आएंगे एकदम आराम से और कंधे पे हाथ रखेंगे, कंधे पे हाथ रख के इसको रोटेट करेंगे 5 बार सामने की ओर, 5 बार उल्टा आप करेंगे, आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है, ये करेंगे। इसके अलावा हाथ की उंगलियां दर्द करने लगती हैं कीबोर्ड में चलाते हुए, तो आप इसको सामने से करेंगे और धीरे से ऐसे पंजे को ऐसे क्रॉल करेंगे आराम से, 5 से 7, 8, 10 बार जो भी हो सके कर सकते हैं, और इसको ऐसे कर सकते हैं 5 बार, 7 बार, 3 बार। इसके अलावा आप इसको थोड़ा पंजा फैलाएंगे और यहाँ कुर्सी पर ऐसे हाथ रखते हुए आप ऐसे मुड़ेंगे, जितना हो सकेगा उतना ही पीछे मुड़ेंगे, ठीक अपोजिट साइड भी ऐसे करेंगे। ये करने के बाद, ये क्रमशः क्रम में कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ऐसे एक बार कमर में हाथ रखते हुए पीछे झुकना है, फिर आगे झुकना है, लास्ट में आप भ्रामरी करेंगे, ये वाली उंगली कान में ऐसे करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 2 बार, सांस लेंगे छोड़ते हुए ओम करेंगे, ओ सांस छोड़ेंगे 2 बार करेंगे। तो ये आप ऑफिस में करते हुए कर सकते हैं, ये 2 से 3 मिनट लगता है, आराम से करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगे, ये तुरंत आपको एनर्जेटिक कर देगा, आपकी उबासी को दूर कर देगा, यांग को दूर कर देगा और एक फ्रेश एनर्जी करेगा, और आप पुनः से अच्छे मन से काम कर पाएंगे।
आपकी प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो इस तरह आप क्रम से करें, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से करेंगे।